तो भाई आसान तो नहीं है बिल्कुल, काफल टीपना है। गलो डर नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा तो सबके अंदर है डर। ये देखो तो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ ये देखो, और हम बैठ गए यहाँ बंदर की तरह। ये देखो भाई कितना खतरनाक है नीचे, डेंजर। और इतने काफल यहाँ से भी लिए हमने, अब इनको बाल्टी में रखेंगे। भाई दोस्तों यहाँ देखो काफल, ये देखो भाई सब मस्त हो गए काले काले। ये देखिए भाई ये अब मीठे देखो, हाँ गजब। बल भारत खंडे में उत्तराखंड, उत्तराखंड की कथा सुनाते हैं। 2022 में पहले रचना को शंख बजे, शंख क्या बजे, हुसन पहाड़ों का क्या कहना है, बारो महीने यहाँ मौसम है जाड़ों का है, झरने तो बहते हैं ओ साई बा, झरने तो बहते। गट्टू का गाना सुना हमने, क्या मस्त लगाया उसने। एक ये गाना हो जाए ब्लॉग के लिए, बढ़िया हो गया यार, बहुत है इतना सुना दिया इसके लिए। एक तरफ से तो गर्मी इतनी हो रही है, बैग में साला 7-7 कॉपी आ रही है घर स्कूल से घर। हाँ तो भाई दिल्ली और यहाँ लगा ले, अगर तू तो अभी दिल्ली में रहता तो दिल्ली में क्या होता, कमीज छोड़ के भी घर आता तो मुझे लगता है। ये पैंट में भी नहीं आता घर है। और ये मौसम देखो आप, ये मौसम ये सुहाना मौसम, ठंडा बारिश, जो रेगुलर बारिश हो रही है शाम को हमेशा, तो ये मौसम चाहिए कि दिल्ली वाला चाहिए बता? दिल्ली वाला चाहिए, दिल्ली वाला चाहिए। क्यों चाहिए दिल्ली वाला? गट्टू को दिल्ली वाला मौसम चाहिए भाई, क्यों है? मजाक मजाक, ये पहाड़ का मौसम पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं है पहाड़ पसंद, झूठ बोल रहा है। अच्छा झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा है। एक सेकेंड। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल। तो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो दिन के दोपहर से हो रही है, यानी 1 बजे से। और आज मैं जा रहा हूँ भाई काफल लेने, तो काफल का सीज़न आ गया है। आप लोगों को जैसे पता ही होगा, जो भी पहाड़ी लोग होंगे उन सबको पता होगा कि काफल का सीज़न मई जून में काफल पक जाते हैं। और आजकल तो भाई भर भर के लोग ले जा रहे हैं बाल्टियाँ भर भर के काफल के। और आप लोगों को मिले या नहीं मिले ज़रूर बताना। तो आज मैं सोच रहा हूँ काफल लेने जाएंगे, तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ काफल लेने इस सीज़न के, तो जंगल में जाना है तो भाई जल्दी जाना पड़ेगा। बिल्कुल काफल लेने जा रहे हैं, और ये भी पहुंच गए भाई काफल लेने के लिए, बाल्टी भर भर के ले जाएंगे हैं आज। तो तुम कहो जाना जी, हम भी वहाँ से तगड़ झोल। हाँ गौड़ो दयावट चला, गौड़ो दयावट। हाँ हाँ तो रुक जाओ ना, साथ साथ चलते हैं। तो ये सब जाएंगे काफल लेने उस वाले जंगल में, तो हम भी वहीं जाएंगे, तो चलते हैं भाई उधर। चलिए भाई दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अब ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और स्वागत करता आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव मासी चौथान से एक और नए ब्लॉग में। तो आज चलते हैं भाई काफल लेने और देखते हैं भाई जंगल में कितने काफल पके और कितने काफल हमें मिलते हैं। दोस्तों अभी मैं घर से निकल गया हूँ और आज फिर से मौसम बारिश वाला बना हुआ है, खतरनाक बादल लगे हुए हैं आसमान में, और इस साइड से तो और भी ज़्यादा भयंकर बादल लगे हुए हैं। तो चलते हैं भाई अभी गट्टू के घर पे। तो गट्टू का घर ये है और यहाँ से दूरी ये वाली, ये मेरा घर है यहाँ पर। और जैसे ही गट्टू के घर के बगल में बड़ी ताई का घर है, फिर वहाँ से रोड शुरू हो जाती है, तो रोड के आस पास ही है हमारा घर। तो चलो भाई चलते हैं काफल लेने। चलिए भाई अभी पहुँच गए हैं और यहाँ पर काफल वाले छोटे छोटे पहुँच गए हैं अभी, ये देखो। चल भाई गट्टू एक बाल्टी दिला। हाँ ये भाई बाल्टी देखो तो हमारी, ये 2 बाल्टी आ गई है, एक बाल्टी ये भी है, बारिश भी आ गई है, बारिश भी आ गई है। चलो 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 गैंग के साथ चलो, अब बारिश भी आ गई है। अभी हम ताई के घर पे पहुँच गए, तो आज ताई भी जा रखी होगी काफल लेने। जिम करें उसी लाश में भिगा, ताई हो लाश में भीग गई हो, पर तुम आएगी कहाँ भूले गए लेगी नहीं है कौन सा बता, ताई बता लेकिन बरखा गया था। कहाँ पर लेने जा रहे हैं, बारिश आ गई यार।
दोस्तों कहाँ पर लेने जा रहे हैं, बारिश आ गई है, ठंडे मौसम में भीग के जाएंगे मस्त करके। आज तो मजा आने वाला है गट्टू, आज मजा आने वाला है। ये भाई हमारी गैंग है काफी लेने, बाल्टी लेके आएंगे भर भर के, क्या करेंगे भर भर के। चले भाई हमारी गैंग आगे से लगी हुई है और मौसम तो आप देख सकते हो क्या तगड़ा हो गया है मौसम बारिश वाला। इस साइड से तो बहुत ही भयंकर हो गया है, ये देखिए भाई इस साइड से देखो। चलो चलो क्या चीज, चलिए चलो चलो रुकना रुकना, बर्फ होना चाहिए। चलिए भाई दोस्तों अभी जंगल की ओर चले गए हैं और हम आए थे उस वाले बैंड से होते हुए और यहाँ से चलेंगे भाई अंदर। शेरू तू कहाँ आ रहा है, तू उधर मत आ, बाघ आ जाएगा वहाँ, चल घर भाई। पीछे पीछे भाग रहे हैं हमारे, चलो भाई शेरू भी आ गया, अब भीगेगा ना ये, अब तू देखता हूँ कहाँ रहेगा तू फिर। तो यहाँ से हम चलेंगे ऊपर जंगल की ओर, ये देखो भाई काफ़ी लेने और हमारी गैंग अभी पीछे पीछे से आ रही है। ये देखो भाई जंगल के अंदर जाना पड़ता है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है भाई काफ़ी लेने के लिए भी। भालू का डर रहता है काफल के साथ, भालू रिख दो मिले थे, अरे मिल गए तुम बचा बचा तुम बोलता भालू। चलो चलो शेरू, चलो शेरू भी जाएगा आज हमारे साथ, चल 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 भाई। तो दोस्तों अभी हमें पेड़ मिल गए हैं दो, एक ये रहा जिसमें ये आंसू चली गई है अंदर और चढ़ीच। तो अभी ना क्या होता है कि बाल्टी नीचे रखेंगे पहले और पन्नी लेके जाएंगे पेड़ में, ठीक है। ये देखो भाई काफल इधर बता, इधर बता, फोंक पे तो मार खाएगी पत्तियाँ टोड़ी तो, हाँ हैं अगर तोड़ा ना किसी ने भी देख लेना मेरे हाथ से पिटेगा जो तोड़ेगा तो। और मैं जाऊँगा इसमें तो बाल्टी नीचे रख दी है, शुक्र शुक्र अभी इधर पकड़ती है। चलिए भाई दोस्तों मैं चलता हूँ इस वाले पेड़ में पहले यार का। ये देखो भाई इसने इतने ले भी लिए भाई काफल, ये देखो अरे क्या बात है, हाँ हाँ पहले पेड़ पूजा आराम से। ये देखिए भाई दोस्तों आपको दिखाते हैं भाई काफल, वाह। तो ये देखिए भाई दोस्तों काफल, चलिए भाई दोस्तों अभी रखते हैं थैले में। तो यहाँ पर मैंने थैला लटका दिया है और कैसे टीपने भाई, ये देखिए ऐसे लेने काफल मस्त करके, ये देखो भाई काले काले लाल लाल काफल आएंगे हम तक आएंगे। ये देखो भाई पहले पहले काफल मेरे यहाँ पर थैले में चले गए, वाह। ये देखो अभी मैं थैला भरता हूँ यहाँ से फटाफट, ये दोस्तों मुझे देख रहे हो मैं कहाँ बैठ रखा हूँ काफल लेने, भाई साहब इधर ना बहुत सारे काफल और के हैं। और देखो बस शेरू को, ये कहाँ तू कहाँ आ रहा पेड़ में हैं, तू कहाँ आएगा यहाँ पर, नीचे चलो 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 नीचे चलो शेरू, क्या है क्या है, नीचे चलो चलो नीचे चलो नीचे जाओ गुड बॉय, आप चले गए नीचे पेड़ में आ रहा है यहाँ। तो दोस्तों इस पेड़ से ना मैं इतना लेके आ गया हूँ, अब इनको बाल्टी में रखेंगे, आसान काम नहीं है यार इस पेड़ ऐसे पेड़ों में जाना और यहाँ उतरना इनके साथ। तो चलिए भाई गट्टू को देते हैं नीचे इनको पकड़ने के लिए, वैसे तो आसान है यहाँ पर से जाना। शेरू को देखो, शेरू शेरू कैसे इंतजार कर रहा था उधर जाता उधर जाओ, चले शेरू मेरा कैसे इंतजार कर रहा था, कहाँ गया चंदू है कहाँ गया, बस अरे आ गया बच्चों आ गया आ गया, ये कैसे इंतजार कर रहा था मैं, कहाँ गया ने, अरे शेरू शेरू कहाँ गया था मैं ये पेड़ में क्यों गया, ये पेड़ में क्यों गया ऐसे, मतलब नीचे से इसको लग गया था कि मैं पेड़ में क्यों जा रहा हूँ, नीचे क्यों नहीं आ रहा ये, और ये भी पेड़ में आ गया था मेरे साथ साथ। बस ये देखिए भाई आओ 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 डाल दिया जाए, हाँ हाँ डाल दिया जाए, गिरा दिया। तो भाई दोस्तों एक बाल्टी पैक हो गई हमारी, ये देखिए भाई अब इसके ऊपर से पत्तियां रख देंगे, ये
नीचे कर रहे हैं इनको। ये होगी पैक है ना, इसको रख दिया आराम से। साइड में बंदे चलिए भाई दोस्तों, अभी पेड़ में चलते हैं। अब इस वाले पेड़ में जाएंगे और यहाँ से लेके आएंगे। तो भाई चलो दोस्तों, अब ना दूसरे वाले पेड़ में चलेंगे, इस वाले में। ये देखिए भाई क्या मस्त पके हुआ यार काफल। ये देखो भाई, ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ देखो काफल। ये देखो भाई क्या मस्त हो गए काले काले। और ऐसे लेके जाने हल्के से, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि ये ना सब, ये देखो मैं बिल्कुल हाथ लगा रहा हूँ, बिल्कुल निकल जा रहे हैं। और ये देखिए भाई, ये अब मीठे देखो। हाँ गजब, बहुत मीठे हो रहे हैं सच्चे में, बहुत मीठे। ये देखो भाई, तो दोस्तों ऐसे जाना पड़ता है पेड़ों में, और ऐसे ना ऐसे टीपने पड़ते हैं काफल। पता बोलते हैं दिल्ली वाले हमारे लिए काफल भेज दो, उन्हें पता नहीं इतना कितना कष्ट आता है। हर सेकंड में डर लग रहा है कहीं पैर फिसल ना जाए और नीचे चले जाएंगे सीधे। और इतना दूर पकड़ना भी नहीं पड़ता कहनियों को, ऐसे निकालने पड़ते हैं दूर दूर से। ये देखो भाई, और इतने पके हुए हैं ना ये, इन पर थोड़ा भी हाथ लगा रहे ना तो ये सीधा नीचे झड़ जा रहे हैं। तो हल्के हाथों से इनको ऐसे लाना पड़ रहा है। ये देखो, तो अभी यहाँ पर इतने ले लिए मैंने, अब यहाँ से इस साइड को रखते हैं। ये देखिए भाई, तो भाई आसान तो नहीं है बिल्कुल काफल टीपना है। गलो डर नहीं लग रहा है? थोड़ा थोड़ा तो सबके अंदर है डर। ये देखो तो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ, ये देखो भाई साहब, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत बा। इप कौन सा कार्टून आ रहा है? ये देखो बंदर बन रखे हैं हम, बंदर यहाँ बैठे हुए हैं। गट्टू को देखो और इस भाई को देखो कहाँ बैठा हुआ है गट्टू। ये भाई, तो ये देखिए भाई दोस्तों, आसान नहीं होता काफल टीपना। और नीचे देखो, नीचे देखो भाई, डर लगे हैं, गद्देले लगे हैं, गद्देला हैं, बिस्तरे लगे हैं नीचे। ये देखो भाई ऐसे टीपने पड़ते हैं और ऐसे थैले में रखने पड़ते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ गया ना, बैलेंस की दिक्कत नहीं है, दिक्कत पर नहीं की, अगर इतने सारे टीप रखे हमने। हाँ, ये सबसे बड़ा दुख है, बैलेंस बिगड़ेगा तो पकड़ लेंगे, उसमें ज्यादा दुख नहीं है, ये गिरेगा उसमें ज्यादा दुख है। ये देखो, ये देखो भाई कहाँ से कहाँ होता है भाई टीपना। ये देखो, तब दिल्ली वाले बोलते हैं हमारे काफल भेज दो। और हम बैठ गए यहाँ बंदर की तरह। ये देखो भाई कितना खतरनाक है नीचे, डेंजर। और इतने काफल यहाँ से भी ले लिए हमने, अब इनको बाल्टी में रखेंगे और तब दिल्ली वाले बोलते हैं हमारे काफल भेज दो। देख रहे हो, हाँ भेज दो अपने काफल, मकोलो तुम गए। कहाँ पहुँचे यार, चलो और ये देखो भाई, एक बाल्टी, एक डब्बा, एक पन्नी, एक ही बाल्टी, एक ये और एक ये, हम चारों के। ये लीजिए भाई, अगर आपको चाहिए कैमरामैन आगे थोड़ा फोकस, काफल पे फोकस, फोकस करो भाई काफल पे। आज गाली मत दो यार, खांसी हो रही है। अरे काबू भी। चलिए भाई दोस्तों, अब घर चलते हैं। बाय बाय बाय।
भाई चलिए अब चलते हैं घर की ओर। तो अभी हम काफल लेके आ गए, अब घर निकल रहे हैं, तो जल्दी आ गए। टाइम 4:30 हो रहे हैं और 2 बजे आए थे, हमें लगा बारिश आएगी। और ये देखो भाई मस्त करके मौसम भी हो रखा है। चलिए दोस्तों अब घर चलते हैं और ये काफल जाएंगे देघाट कल को, तो मौसी के लिए है, मामी के लिए है, तो देघाट लेके जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कुमाऊं का जो क्षेत्र है देघाट मार्केट, वो कल आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए भाई अभी चलते हैं घर की ओर। ये देखिए भाई, तो इतने काफल लेके आ गया हूँ मैं आज। ये देखो मैं और गट्टू गए थे, मस्त लग रहे हैं ना। ये देखो भाई काफल ही काफल होने वाले हैं, मीठे हो रहे हैं मीठे। ये देखो मस्त। तो ये जाएंगे कल कुमाऊं में जाएंगे, तो अब आपको मिलेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को काफल चाहिए, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो देखते हैं भाई किसको पहुँचते हैं काफल, मस्त वाले बहुत सारे पके हुए हैं, बहुत सारे। हम तो 1-2 पेड़ में गए थे और देख सकते हो आप 5-6 बाल्टी लेके आए हम वहाँ से। चले भाई आज की वीडियो को एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना, और किस किस ने काफल चख लिए हैं तो जरूर बताना। मिलते हैं आपको, बाय बाय।